इसराइल और फिलिस्तीन के बीच इन दिनों तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसराइल की सेना ने गाजा पर फिर से हवाई हमला किया है। इसराइल ने गाजा में हमास पर एयर स्ट्राइक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। दरअसल इसराइल के आयरन डोम ने एक रॉकेट इंस्पेक्ट किया था, जिसके बाद इसराइल की सेना ने गाजा पर यह हमला किया और एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने 2 फरवरी की सुबह एयर स्ट्राइक पर कहा कि उसके सैन्य बलों ने गाजा पट्टी के अंदर रॉकेट से एयर स्ट्राइक हमले किए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने खुद इस हमले की जानकारी दी है। इसराइल की ओर से यह हमला गाजा के हमले के जवाब में किया गया था। गाजा ने इसराइल पर रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल की इस एयर स्ट्राइक से एक बार फिर से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसराइल ने हमास के उन ठिकानों पर मिसाइलें दागी जहां से इसराइल पर हमले किए गए थे। हालांकि गाजा ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और एक मिसाइल दागी। बता दें कि बीते कुछ दिनों से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही ओर से एक दूसरे पर बीते दिनों कई हमले किए गए हैं। इसमें कई फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इस इलाके में तनाव बढ़ने से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। अरब और मुस्लिम देशों समेत दुनिया के कई देशों ने इजरायल और फिलिस्तीन से शांति बरतने की अपील की है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।